सुदामा है, मैं रिकॉर्ड कंपनी से हूँ। ये 20 लीटर गीजर है, स्लिम ओरिजेंटल। अच्छा, ये वाला गीजर कह रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा, तो ये गीजर कैसे, मतलब क्या गीजर लगाने का ये फायदा रहता है कि मतलब अपनी स्पेस कम हो तो उस हिसाब से, मतलब? हाँ, ये क्या है कि 20 लीटर में आता है और ये साइज छोटा रहता है, इसलिए कम जगह में भी आराम से लग जाता है ये गीजर। ये कौन सा गीजर है सर? ये रिकॉर्ड का है, एंडिस स्लिम 20 लीटर। अच्छा अच्छा इसकी शक्ल ऐसी दिखती है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है छोटा सा स्प्लिट एसी है कोई। अच्छा अच्छा, देखने में काफी खूबसूरत है। एक ही रंग में आता है ये? हाँ, एक ही रंग में आता है, व्हाइट में ही। अच्छा, बीच में ब्लैक पट्टी दी है। कितना टाइम हो गया आपको रिकॉर्ड में? मुझे 10-12 साल हो गए। अच्छा, आपने तो बहुत गीजर लगाए होंगे। मेरे ख्याल महीने में आप 30-40 गीजर लगा देते होंगे या ज्यादा ही? ज्यादा ही लग जाते। अच्छा, 50-60 गीजर से ज्यादा लगा देते आप। तो ये मॉडल कम लगता होगा ना, ये वाला जो है ये कम लगता? अच्छा, ज़्यादा वो चकोल और वो वाले लगते हैं तो आपके 10 और 15 लीटर वाले ज़्यादा डिमांड में। अच्छा, मैं पानी के प्रेशर का भी कुछ रहता है कि इतना प्रेशर होना चाहिए या कुछ नहीं? वो तो टंकी की हाइट पर निर्भर करता है। अच्छा, टंकी की हाइट कम से कम गीजर से 4-5 फुट ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, गीजर से 4-5 फुट ऊपर हो उतना ही बहुत होता है, सही आएगा। तो ये तो ज़्यादा हाइट नहीं है, मतलब इतना तो होता ही है सब घर में। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं फिर क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो ये क्या कहलाता है सर? नॉन रिटर्न वॉल्व है ये, और इससे अपना 20 लीटर पानी पूरा भर रहा है कि नहीं इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। कंपनी ही आपको साथ में फास्टनर और वो दे रही है, और इंस्टॉलेशन पाइप भी इसके फ्री आती है। अच्छा, ये रिकॉर्ड की अपनी पाइप है तो बहुत अच्छी है, सॉलिड लग रही है बिल्कुल। तो ये इसके वॉचर रहते हैं ये यहाँ पे, तो ये इनलेट और आउटलेट पाइप होते हैं, दोनों तरफ सेम है। इसकी लेंथ क्या रहती होगी? 1.5 फीट की आती है। अच्छा, ये 1.5 फीट की रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लाल वाला क्या है ये चीज? ये लाल वाला आउटलेट है और नीला वाला इनलेट है। अच्छा, ये इनलेट पाइप है, जो अभी पाइप दिखाए थे वो इसमें लगते हैं। ये नीला वाला इनलेट है और लाल वाला आउटलेट है। और ये क्या चीज़ है? ये टैंक खाली करने के लिए सिस्टम दिया है कि अगर टैंक भरा हुआ है और नहीं खाली हो रहा तो कुछ फॉल्ट है, तो ये यहाँ से खाली हो जाएगा। ये जो वायर है ये कितना लंबा रहता है अपना? 1-1.5 मीटर के आसपास आता है। अच्छा अच्छा, ये स्टैंडर्ड है, मतलब 1-1.5 मीटर के आसपास रहता है, तो उस हिसाब से लग जाते हैं गीजर। ठीक है, ये जो क्लैंप आप बता रहे थे, ये दो ऐसे क्लैंप दिए हुए हैं, इसमें दो क्लैंप आते हैं, इसी पर टंगता है। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं फिर और देखते हैं कैसा चलता है। ये इस जगह पे लगेगा, मतलब यहाँ पे? जी सर। तो यहाँ कितनी तकरीबन अपने पास जगह है? यहाँ पे 4 से 5 फीट के बीच में है, तो ये गीजर यहाँ आ जाएगा, काफ़ी टाइट स्पेस में आ जाता है। तो इसमें आप टेप लगा रहे हैं ये इनलेट वॉल्व में? टेप लगा के एनआर भी लगाएंगे। क्या चीज़ लगाएंगे? अच्छा अच्छा, NRV, हाँ, नो रिटर्न वॉल्व। तो एक गीजर लगाने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा? 20-1 मिनट लग जाते होंगे? 15-20 मिनट लग जाता है। अच्छा, ये नाप आप ले रहे हैं होल के लिए? अच्छा, यहाँ निशान लगा रहे हैं। अच्छा, फास्टनर लगेगा यहाँ पर। तो बड़ी स्पेशल ड्रिल होगी, बिट लगी होगी आगे इस टाइप की। तो ये तो पाइप तो स्टैंडर्ड ही लग जाते होंगे सब, जितने भी
ये आउटलेट होते होंगे जी। अच्छा अच्छा, सब में सेम ही लग जाते हैं। तो हमेशा फिटिंग के बाद पहले पानी चालू करना पड़ता है ताकि पूरा भर सके। तो इस गीजर के साथ तो रिकॉर्ड शायद फ्री इंस्टॉलेशन देता है, तो सबके साथ तो नहीं देता होगा? नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग फ्री इंस्टॉलेशन है। अच्छा अच्छा, बाकी गीजरों में अलग अलग रहता है। अच्छा अच्छा, चार्जेस रहते हैं जी। अच्छा अच्छा, वो पाइप भी नहीं देते होंगे वो? नहीं, सब अलग से चार्ज है। थर्मोस्टेट जैसा दिख रहा है गोल बीच में, इसमें डिग्री भी लिखी हुई है जी, 80, 60, 40, तो निशान अभी 80 पे है। हाँ, अभी 80 पे है। 80 पे मैक्सिमम कहलाता है जी। फिर अपन इसको जब ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो मिनिमम और मिनिमम पे चला जाएगा। अच्छा, मिनिमम ऊपर और 40 और वो उसके अलावा, ठीक है। चार ऑप्शन है। हाँ, इसमें दो लाइटें हैं जी, एक तो हीटिंग की है और एक जब ये पूरा गर्म हो जाएगा तो नीली लाइट जलेगी तो रीडिंग रेडी हो जाएगा। ये हीटिंग का लाल वाला है, तो जब लाल वाला बंद होगा तभी हमारा ब्लू वाला चालू हो जाएगा। लाल वाला बंद होगा तो ब्लू चालू हो जाएगा। और इसका मतलब आपका तैयार है गीजर नहाने के लिए। ये जैसे दूसरे वाले गीजर में हम देख रहे हैं कि ये ब्लू लाइट आ गई है यहाँ पे, इसका मतलब अपना पानी गर्म हो गया है। पानी गर्म हो गया इसका। ज्यादा बिजली तो नहीं खाते होंगे ये? ज्यादा नहीं, एक घंटे में 2 यूनिट के आसपास खाता है। तो आप कह रहे थे कि इसको गुनगुना होने में तकरीबन कितना टाइम लगता है? 5-7 मिनट लगेगा। और 20 मिनट में पूरा गर्म हो जाता है? हाँ, 20 मिनट के अंदर पूरा गर्म हो जाएगा। तो शावर के हिसाब से 20 लीटर ठीक है या इससे ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं, सही है, शावर के हिसाब से 20 लीटर चलेगा। तो 15 से ऊपर है और 25 से कम है। हाँ। ये बीच का एक ऑप्शन है अपने पास। हाँ। स्पेस के हिसाब से। हाँ, ये देखिए स्टीम कैसे निकल रही है, बिल्कुल वाओ, ये एकदम गर्म पानी आ गया है। आप आराम से इससे शावर ले सकते हैं। इसकी वारंटी तो काफी अच्छी रहती होगी? मतलब वारंटी भी अच्छी आती है, 5 साल की वारंटी आती है। अच्छा अच्छा, तो अंदर इसकी जो मशीन है वो जो खाचा होता है वो कॉपर होता है या कैसे? नहीं, ये स्टील में ग्लास लाइन का होता है। अच्छा, स्टील में ग्लास लाइन का इसका खाचा होता है। इसमें हार्ड वाटर की शिकायत कम आती है। अच्छा अच्छा, तो ये फायदा है इसका। और इसकी रेटिंग मेरे ख्याल 4 स्टार है। जी जी, तो ये आपने पाइपें यहाँ पे लगाई है इसकी? जी। तो ये अपनी गर्म पानी की पाइप है और एक ठंडे पानी की पाइप? हाँ, ये वाली गर्म की है, ये ठंडे की इनलेट है, ये आउटलेट है। अच्छा, तो सुदामा जी थैंक यू, आपके वजह से अब हम इस गर्म पानी का आनंद ले पाएंगे इस मौसम में और गीजर को यूज कर पाएंगे।